जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जीतने के लिए खेलो। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम कभी कभी कुछ काम जो करते हैं वो सिर्फ करने के लिए करते हैं और उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों से मैंने सवाल किया कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो उनका जवाब था हम स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरे भाई बहन भी जाते हैं। मैंने कहा रीज़न क्या है स्कूल जाने का, तो उन्होंने बताया कि हमारे पेरेंट्स भी स्कूल जाते थे और हमारे बड़े भाई बहन भी स्कूल जाते थे तो हम भी स्कूल जाते हैं। क्या ये रीज़न होना चाहिए? देखिए, हम जब तक एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक हमने गोल्स नहीं बनाएंगे, तो हमारा कोई भी काम करने की जो वजह है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, क्यों करना है, वजह क्या है उसके पीछे की? किसी न किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। अब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि अगर मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा तो फिर 100% मैं तैयारी करूँगा। अदरवाइज़ जो भी आप स्कूल जाना भी आपका व्यर्थ हो जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाना आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार किसी खेल की तरफ अगर आपकी रुचि है तो जीतना है। अगर RAMC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NDA की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि ऑफिसर बनना है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी काम अगर आप करें तो 100% करें। 90% जैसी कोई चीज़ नहीं होती, 50% जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मन लगा के करें, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के करें, नहीं तो नहीं करें। खेलने के वक्त खेलना है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी है। खेलना भी 100% है और पढ़ाई भी 100% करनी है। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोई भी गेम आप खेलें तो उसको जीतने के लिए, पढ़ाई भी करें तो जीतने के लिए और खेलें भी तो जीतने के लिए। धन्यवाद।